पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। जाने माने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। दरअसल विनोद दुआ पर पुलिस ने राजद्रोह का आरोप तो लगा दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट में कोई जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी, जिसके लिए कोर्ट ने पुलिस को फटकारा है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कराएं। मामले में आखिरी सुनवाई अगले हफ्ते होगी। कोर्ट ने पुलिस को 13 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यदि कोर्ट को पत्रकार की दलीलें सही लगती हैं तो न्यायालय सीधे एफआईआर खारिज कर देगी। आपको बता दें कि पत्रकार विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित, मोहन एम शांतानागौदर और विनीत शरण की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। विनोद दुआ ने उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्ज हुए एफआईआर को खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करके उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार विनोद दुआ की तरफ से पेश हुए वकील विकास सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूछताछ के नाम पर मुवक्किल का उत्पीड़न किया है। विकास ने दावा किया है कि पुलिस द्वारा दुआ से एक ही सवाल को लेकर बार बार पूछताछ की गई और पुलिस ने शिकायत के डिटेल्स को भी साझा करने से इनकार कर दिया। वकील विकास सिंह ने कहा कि 45 साल से विनोद दुआ एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह काम कर रहे थे और उनके पास बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। वहीं पुलिस को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, यह प्रोग्राम 30 मार्च को प्रसारित हुआ था और शिकायत 23 अप्रैल को दर्ज की गई है। इसमें कुल 24 दिनों की देरी थी। आप कहते हैं कि 11 मई को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत क्राइम ब्रांच से आपको नोटिस मिला और फिर आपने 11 जून को न्यूज मीडिया हाउस को पत्र लिखा। 11 मई से 11 जून के बीच क्या हुआ, यह जांच को लेकर आपकी गंभीरता को दर्शाता है। आपको बता दें कि पत्रकार विनोद दुआ ने द विनोद दुआ शो के दौरान सरकार के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, ऐसा बीजेपी नेता द्वारा कहा गया है, जिसके बाद से ही यह सारा मामला देखा जा रहा है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।